जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ, उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में BSP सन 2007 की तरह फिर से UP की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार परिपक्व भी कर रहा है। और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है और फिर उचित समय पर ही इनको वह पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा वह अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, जो ये सभी मेरे BSP परिवार के ही लोग हैं। लेकिन इसे भी मेरे से सीधा जोड़ लिया जाता है, जबकि मीडिया तब पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज़्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं, जिनको भी राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इसे भी मीडिया में अधिकांश व्यंग तरीके से ही दर्शाया जाता है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि ऐसा करके ये लोग हमारे नौजवानों में और ज़्यादा जोश पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये सब करने से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, यदि जातिवादी मीडिया व विरोधी लोग भी आकाश आनंद के पीछे जबरदस्ती ऐसे ही पड़े रहे तो फिर मैं माननीय श्री कांशीराम जी की तरह इसको भी पार्टी में और भी ज़्यादा बढ़ावा देती रहूँगी। और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से यहाँ UP में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री SC मिश्रा जी के बेटे श्री कपिल मिश्रा भी अपने नौजवान साथियों को अपनी पार्टी में पूरी मेहनत के साथ जोड़ने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव में हमारे नौजवानों का भी काफ़ी वोट BSP को ही मिलने वाला है तथा यहाँ फिर से BSP ही सत्ता में जरूर आएगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन कर रही हूँ। अच्छा, अरे
और अब मैं अपनी किताब के विमोचन करने के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची हैं, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर। जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कॉपी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में सभी मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक व जलपान आदि लेने का भी विशेष आग्रह करती हूँ। साथ ही अपनी बात भी यही समाप्त करती हूँ, किंतु इससे पहले यदि आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो एक एक करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी के एक सवाल का मैं खुद ही आपको जवाब दे देती हूँ। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC ST OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अंबेडकरवादी पार्टी भी ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अंबेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़ कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे
संतों गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए, जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोही के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोही जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में, खासकर पूरे यूपी में और पूर्वांचल में संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी वाणियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने इस भदोही के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितेशी, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोही का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि बीएसपी ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है, उनके विकास व उत्थान का। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है, साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है, मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है। जबकि बीएसपी ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है, और सरकार बनने पर इनके जान माल व मजहब की भी पूरी पूरी हिफाजत की है, साथ ही इनके विकास व उत्थान का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों के साथ साथ अपर कास्ट समाज के भी सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। तो इसलिए तो दल बदलू लोग, और खास तौर से जो छोटे छोटे दल जो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितेशी पार्टी है, ओबीसी की हितेशी पार्टी है, इनके संतों गुरुओं और महापुरुषों का पूरा पूरा आदर सम्मान करके, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस सरकार ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके ना हितों का ध्यान रखा, और ना टिकट बंटवारे के मामले में, और ना ही सरकार में भागीदारी देने के मामले में इनका, इनके हितों का ध्यान रखा है। तो ये सब आप लोगों को मालूम है। आप ये सवाल पूछते तो मैंने पहले ही टुकड़ों टुकड़ों में पूछते, मैंने पूरा इसका जवाब आप लोगों को दे दिया। अब आप पूछिए, एक एक करके पूछो। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता, आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवा हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे
बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको, अपर कास्ट को भी साथ में लेकर, जब सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हो। तो उसी आधार पर हमारी पार्टी इस मूवमेंट को लेकर, बीएसपी की मूवमेंट को लेकर चल रही है। बहन जी, आज शेखर रावण ने समाजवादी पार्टी में गए थे लेकिन उनकी बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि वह अब इसका सवाल आप उसी से पूछें।